हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फेज 4 से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्वल फेज 4 की न्यू अपकमिंग मूवी थॉर 4। आप सभी जानते हो कि नॉर्वे में शूटिंग चल रही है थॉर 4 की, जिसमें कि हमें लेडी थॉर का फर्स्ट लुक नजर आ चुका है। वो एक टी शर्ट पहन के एक हैमर को उठाती है। अब VFX से इसे बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा, क्योंकि सेट में इतना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है, पर उनके बाइसेप देख के लग रहा है कि उन्होंने हैमर उठा लिया है। उसी के साथ काफी सारी इमेजेस रिवील्ड हुई हैं, जो कि आपको मेरे सब ट्विटर हैंडल पे देखने को मिल जाएंगे। आप मेरे को जाके फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपकमिंग मूवी द इंटरनल्स की। तो फाइनली इंटरनल्स के कुछ कॉन्सेप्ट पार्ट, कॉमिक बुक कवर, जिसमें कि हमें कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम, उनकी डिटेल्स और देन विलन तक रिवील कर दिए गए हैं। जी हाँ, काफी लोगों का मानना है, फैन थ्योरीज आ रही हैं जब से ये कॉन्सेप्ट पार्ट रिलीज हुए हैं, कि शायद अपकमिंग इंटरनल्स मूवी में हमें सेलेस्टियस एज अ विलन के तौर पर देखने को मिलेंगे। पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक एलियन प्राणी है और इसको विलन के तौर पर दिखाना मूवी में मुझे तो सही नहीं लगता। शायद मूवी में विलन और कोई होगा, डेफिनेटली मुझे तो पर्सनली यही लगता है। आपको क्या लगता है इन कौन सा पार्ट को देखकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं थर्ड अगली मूवी स्पाइडरमैन 3, जिसका टाइटल रिवील कर दिया गया है और कुछ बिहाइंड द सीन इमेजेस में हमें न्यू कॉस्ट्यूम भी देखने को मिला है। अगर आप मार्वल टाइप फैन हो तो आप इन इमेजेस को देख के पता लगा सकते हो कि डिटेलिंग में और टेक्सचर में इस कॉस्ट्यूम में कितना ज़्यादा काम करा गया है। आप पिछले सूट से कंपैरिजन करिए, आप खुद पता लगा सकते हैं कि ये सूट न्यू है। उसी के साथ एक और सीन देखने को मिला, जिसमें कि CGI सूट पहना हुआ है, और ये डेफिनेटली आयरन स्पाइडरमैन सूट हो सकता है या कोई नया सूट हो सकता है स्पाइडरमैन का। और हैरी हॉलैंड, जो कि टॉम हॉलैंड के भाई हैं, वो इस मूवी में काम कर रहे हैं, और कंफर्म ये हुआ है कि वो ड्रग डीलर का काम करते हैं इस मूवी में। अब ये किस तरीके से दिखाया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और स्पाइडरमैन का फाइनली टाइटल है नो वे होम, जैसा कि मैंने आपको इंस्टाग्राम पे उसी दिन क्लियर कर दिया था, पर सोचा कि इसको इंक्लूडिंग कर लिया जाए। एक ब्लैक विडो की ब्लू स्क्रीन वाली बिहाइंड द सीन इमेजेस, जो कि एक एंडिंग का लास्ट फाइटिंग का सीन है, हवा में उड़ते हुए और गोली चलाते हुए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और एक सीन है डेकोरेटर का, जो कि ब्लैक विडो को उसका कॉस्ट्यूम पहना रही है, यानी कि स्कारलेट जॉनसन को, तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की लग रही है और खूबसूरत लग रही है। और अब बात करते हैं लीगो सेट की। तो शैंग-ची लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स का लीगो सेट रिवील कर दिया गया है, जिसमें कि फिंग फेंग फ्रॉम को दिखाया गया है और उनका शैंग-ची का कॉस्ट्यूम भी दिखाया गया है। TI को, जो कि एक रैपर हैं, उन्हें एंटमैन से मूवी से निकाल दिया गया है, क्योंकि उन पर रेप के चार्जेस लगे हुए हैं, और अभी तक ये दावा नहीं हुआ है, पर इस चक्कर में उन्हें मूवी से निकाल दिया। जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया है कि वॉल्यूम 3 की शूटिंग इस साल से स्टार्ट हो जाएगी, और हॉलीडे स्पेशल की भी। और उसी के साथ अगला अपडेट है बहुत ही कमाल का। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद ही अपनी वियर्ड उगाई है, यानी कि बेनेडिक्ट कंबरबैच ने क्लियर करा है कि पहले उन्होंने सिर्फ नकली लगाई थी, पर उन्होंने इस मूवी के लिए ओरिजिनल उगाई है। एवेंजर्स 5 फाइनली मार्वल स्टूडियो में इसके ऊपर काम चल रहा है, सारी टीवी सीरीज इससे कनेक्ट होंगी और मूवी भी, जो कि केविन फाइगे ने खुद कंफर्म करा है। अगर आप फोर्टनाइट गेम खेलते हो तो आपको पता चल चुका होगा कि एंटमैन इसमें आ चुका है। कैप्टन अमेरिका के बाद ये कैरेक्टर आपको मार्वल का फोर्टनाइट में देखने को मिलेगा। सैंडिएगो कॉमिक कॉन इस साल नहीं होने वाला है, जी हाँ, कैंसिल हो चुका है। आपको ये अगले साल ही देखने को मिलेगा, वो भी दिसंबर के महीने में। उसी के साथ रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने एक इंटरव्यू में क्लियर करा कि कोई भी कैरेक्टर लाइफ टाइम नहीं होता है, सबकी एक डेट होती है, यानी कि आपको स्पाइडरमैन भी लॉन्ग टाइम तक देखने को नहीं मिलेगा टॉम हॉलैंड का, उसका भी रिवर्जन आएगा। केविन फाइगे ने क्लियर कर दिया है कि आने वाले फीचर्स में मार्वल के हर साल न्यू टाइटल रिलीज करे जाएंगे और स्टार वॉर्स के रिलीज करे जाएंगे, यानी कि इस साल जो रिलीज हुए थे उसके अलावा भी और भी प्रोजेक्ट है मार्वल के। देन कैप्टन मार्वल 2 का एक विलेन रिवील करा गया है, जो कि पृथ्वी से बाहर का होगा और पूरे यूनिवर्स को अपने आप में कंट्रोल करता होगा। देन गार्डियन द गैलेक्सी में वॉल्यूम में आपको एडम वॉरलॉक देखने को मिलेगा, उसके कास्टिंग के काफ़ी सारे रूमर चल रहे हैं। जेजी बीट फाइनली बात कर रही हैं मार्वल स्टूडियो में अपने डोमिनो कैरेक्टर को लेकर, वो रिटर्न होना चाहती हैं डेडपूल 3 में, और देखते हैं क्या होता है, पर वो इस कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं। सेबेस्टियन, उन्होंने एक इमेज डाली बिहाइंड द सीन फाल्कन द विंटर सोल्जर की, और देन वो उसको हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं इस कैरेक्टर को। फाइनली गुनिंद पैत्रो रिटर्न हो रही है मार्वल स्टूडियो में। काफी लोगों का मानना है कि आर्मर वॉर में ये रिटर्न हो सकती है। आपका क्या मानना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसी के साथ अब बात करते हैं फाइनल अपडेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का ही। अवतार वर्सेस एवेंजर्स एंड गेम, इसके पीछे काफ़ी सारी लड़ाइयाँ चली, फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, और फाइनली चाइना में अवतार दोबारा से रिलीज हुई और एवेंजर्स एंड गेम को बीट कर दिया। अब फाइनली एवेंजर्स एंड गेम सेकेंड नंबर पे आ चुकी है और अवतार पहले नंबर पे आ चुकी है, और सभी मार्वल फैंस के लिए ये काफ़ी दुखने वाली बात है, पर डिज्नी के लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारी कंपनियाँ, मार्वल हो चाहे फॉक्स हो या फिर अवतार हो, वो सब डिज्नी का है।
तो गाइस ये थे वो काफी सारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अपडेट। देन उसी के साथ गाइस आज के बस इतना ही। अगर आपको यूट्यूब पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उसमें स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय जा रहो।